हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एएमआई के सेक्शन बी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि जो एएमआई के सेक्शन ए का रिज़ल्ट निकल आया है और आप सभी ने देख भी लिया होगा, और जिन कैंडिडेट का सेक्शन ए क्लियर हो गया है वो कैंडिडेट सेक्शन बी के लिए अप्लाई करेंगे। और सेक्शन बी में जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उनको उसका जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और इस वीडियो पे इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं, एएमआई सेक्शन बी इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, जो सेक्शन बी में 6 सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं वो है आईई, जिसका पेपर कोड है 402 इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ईएल 403 पावर सिस्टम, ईएल 404 सर्किट एंड फील्ड थ्योरी, ईएल 405 इलेक्ट्रिकल मशीन्स, EL 406 मेजरमेंट एंड कंट्रोल, EL 407 डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये आपको कंपलसरी जो है करने पड़ेंगे। बस आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो जैसे ग्रुप फर्स्ट है पावर सिस्टम, तो इसमें 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 5 में से एनी 3 कोई आपने 3 चुनने हैं, जैसे एनर्जी सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग एंड पावर ऑपरेटर्स है, पावर सिस्टम परफॉर्मेंस है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ग्रुप सेकंड में इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव, इसमें एडवांस एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ग्रुप थर्ड है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें कंट्रोल थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोल। तो आप ये 3 ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं इसे आप ध्यान से देख सकते हैं, और फिर आपने चूज़ करना है कि आपका कौन सा जो ग्रुप है वो आपको सूट करता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में है एनर्जी सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग एंड पावर ऑपरेटर्स है, अभी जो मैंने पहले आपको बताया है, ऐसे ही सेकंड में इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव है, इसमें भी आपने कोई 3 सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हो। और ग्रुप नंबर 3 इसी में से भी, तो मीन्स कहने का मीन्स है कि एनी 3 फ्रॉम एनी 1 ग्रुप। तो ये हमारे पास 3 ग्रुप हैं, 3 में से कोई आपने 3 सब्जेक्ट जो है करने हैं। तो टोटल हमारे पास सेक्शन बी में जो सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट आ गए आपके पास कंपलसरी, और 3 सब्जेक्ट जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, और टोटल सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपके पास 9 सब्जेक्ट जो आपने पास करने हैं सेक्शन बी इलेक्ट्रिकल। अब ये सिलेबस देखते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो ग्रुप ए है, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन, मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। ग्रुप बी में है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपके पास है पावर सिस्टम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड्स, जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। ग्रुप बी में ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस, परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस। नेक्स्ट है सर्किट एंड फील्ड थ्योरी, इसमें भी ग्रुप ए सर्किट थ्योरी में दिया है,
ग्राफ ऑफ नेटवर्क, कंसेप्ट ऑफ ट्री, नेटवर्क थ्योरम, थेवनिन नॉर्टन। और नेक्स्ट है ग्रुप बी में फील्ड थ्योरी है, वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, टाइम वेरिंग फील्ड, फैराडे लॉ। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसमें ग्रुप बी है डीसी मशीन, पैरेलल ऑपरेशन, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेस ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ग्रुप बी में है थ्री फेस इंडक्शन मोटर, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स, सिंगल फेस एसी मोटर, सर्वो मोटर, डीसी एंड एसी। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ग्रुप ए में है यूनिट एंड स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज, हाई एंड लो वैल्यू रेजिस्टेंस मेजरमेंट, एसी पोटेंशियोमीटर। ग्रुप बी में कंट्रोल, ओपन लूप एंड क्लोज्ड कंट्रोल सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, स्टेट इक्वेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, रूट लोकस कंट्रोल सिस्टम, डीसी एंड एसी टैकोमीटर। नेक्स्ट डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डिज़ाइन ऑफ लोड बॉक्सेस एंड रियोस्टेट्स, डीसी मशीन डिज़ाइंस, आर्मेचर वाइंडिंग, बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स। ग्रुप बी में दिया ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, सिंगल फेज एंड थ्री फेज, मेन डिमेंशंस, कैलकुलेशन ऑफ नो लोड एंड पुल आउट करंट्स, टॉर्क एंड स्पीड्स, एनर्जी सिस्टम, सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, फॉसिल्स फ्यूल्स, लिक्विड एंड गैसेस फॉसिल्स फ्यूल्स, हाइड्रो एनर्जी, रन ऑफ रिवर्स, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी कन्वर्जन। ग्रुप बी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, टू टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कन्वर्जन, सोलर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विंड प्रिंसिपल ऑफ विंड पावर्स, जियोथर्मल एंड ओशियंस, ओशियन टेम्परेचर एंड डिफरेंस, केमिकल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑपरेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्रुप ए में डिवाइसेस, पावर डायोड, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर, पावर मॉसफेट, आईजीबीटी, जीटीओ, ड्राइव सर्किट्स, ट्रांसफार्मर, कूलिंग। ग्रुप बी में एप्लीकेशन B12, M2, B6 एंड M6 हाफ फुल कंट्रोल सर्किट्स, इन्वर्टर सीरीज, डोमेस्टिक इन्वर्टर्स, डीसी ड्राइव्स। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग एंड पावर ऑपरेटर्स। ग्रुप ए में ब्रेकडाउन फिनोमिना, ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस, ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड्स, ब्रेकडाउन ऑफ लिक्विड, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, केबल्स। ग्रुप बी में दिया वोल्टेज सर्ज, लाइटनिंग फिनोमिना, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स, इंसुलेशंस, जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायनामिक ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, मैकेनिकल सिस्टम, ड्राइव मोटर डीसी, थ्री फेस इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर्स, ड्राइव मोटर पावर सप्लाई, इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ग्रुप बी में कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, डीसी ड्राइव, सिंगल फेस एंड थ्री फेस, कन्वर्टर ड्राइव, चॉपर्स ड्राइव, एसी ड्राइव, थ्री फेस इंडक्शन मोटर कंट्रोल, स्टार्टर वोल्टेज कंट्रोल, सिंक्रोनस मोटर कंट्रोल, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, क्लोज्ड लूप कंट्रोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलाइजेशन। ग्रुप ए रेडिएशन एंड विजन, फिजिक्स ऑफ लाइट वेव थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी, फोटॉन्स, क्वांटिटी यूनिट्स, स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट, लुमिनस एनर्जी। ग्रुप बी में है
इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इंडक्शन हीटिंग फर्नेस, आर्क हीटिंग एसी, आर्क हीटिंग डीसी, आर्क डीसी आर्क फर्नेस सप्लाई सिस्टम, डिलेक्ट्रिक हीटिंग, रजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग रजिस्टेंस एंड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस कंट्रोल थ्योरी ग्रुप पे, कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन एंड टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, एरर कोफिशेंट्स, कैस्केड कंपेंसेशन, लेट लैग एंड लैग लेट कंपनसेटर्स, लोकस, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइप्स ऑफ कॉमन नॉन लीनियरिटीज, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम, ग्रुप बी में डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, जेट ट्रांसफार्मर्स, पल्स ट्रांसफार्मर फंक्शन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बॉड प्लॉट्स, पोलर प्लॉट्स, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम्स एंड सैम्पल डेटा सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ग्रुप ए, प्रोसेस कंट्रोल प्रिंसिपल, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम, लूप कंपोनेंट्स, सेंसर ट्रांसमीटर, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, सिंबल एंड इंटरकनेक्शन, प्रोसेस कंट्रोल सेंसर्स एंड ट्रांसमीटर, एनालॉग प्रोसेस कंट्रोलर, डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर थ्योरी, डिजिटल कंट्रोलर इन ए प्रोसेस कंट्रोल लूप, रिकॉर्डर्स एनालॉग डिजिटल एंड डाटा लॉगर्स। ग्रुप बी में कंट्रोल लूप करेक्टरिस्टिक्स, कंट्रोलबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, रूट लोकस एंड बॉड प्लॉट टेक्निक्स, कंट्रोल स्कीम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रोसेस, हीट एक्सचेंजर, डिस्टिलेशंस, कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ सिस्टम, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल एंड सुपरवाइजर कंट्रोल। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। ग्रुप ए में इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, कैथोड रेज, ऑसिलोस्कोप, यूज ऑफ CRO, मेजरमेंट ऑफ KBAH, यूज ऑफ